TVS iQube के साथ काफी प्रीमियम लग रही है। LED इंडिकेटर्स है, 12 इंच का ये अलॉय है, iQube इलेक्ट्रिक। ग्रैब रेल भी कम्प्लीट व्हाइट कलर में दिया है, काफी वाइड है, काफी कुछ नहीं, काफी आरामदायक है। पीछे iQube का आपको लोगो दिख जाएगा। टेल लाइट जो कम्प्लीटली LED यूनिट है। डबल शॉकर है इस गाड़ी में, इस वक्त यहाँ पे लाइट जल रही है। काफी लेंथी है, काफी वाइड है। इन बिल्ट हजार सिस्टम मिलता है, काफी कॉम्पैक्ट है। नीचे आपको LED मिल जाएगी, आपको 21 लीटर का स्पेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं अभिषेक जी से और कंप्लीट डिटेल उनसे लेते हैं। दोस्तों तो गाइस अब हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी ओम TVS में iQube का कंप्लीट डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो एक वॉक अराउंड तो मैंने आपको दे दिया, तो बाकी इन्फॉर्मेशन अभिषेक जी से लेते हैं इसके बारे में कि क्या इसकी रेंज है, कितने मॉडल, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन अभिषेक जी से पूछता हूँ और बाकी आपके क्वेश्चन के वो आंसर स्टार्ट करते हैं। तो अभिषेक जी डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो सबके माइंड में पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या इसमें रेंज आई। इसकी सब जो रेंज आती है ना वन चार्जिंग के अंदर आपकी, वो आती 75 किलोमीटर 0 to 100 फुल चार्ज होने पे। ओके जी। और उसके अंदर आपको जो स्पीड लिमिट प्रोवाइड करी जाएगी वो करी जाएगी 45 to 50 किलोमीटर की। ये जो आप रेंज बता रहे हैं 70 किलोमीटर की, तो किस मोड के साथ आती है, इसमें कितने मोड है, वो एक बार वो भी क्लियर कर दीजिए आप। सर इस गाड़ी के अंदर आपको दो मोड मिलते हैं, इको और पावर मोड। इको मोड के अंदर आपको जो स्पीड लिमिट मिलेगी वो मिलेगी आपको 45 to 50 किलोमीटर की। ओके ठीक है जी। जिसके अंदर आपकी गाड़ी का जो एवरेज रहेगा या रेंज कह सकते हो आप, वो रहेगा 75 किलोमीटर का। जैसे ही आप स्विच करते हैं पावर मोड के अंदर, तो आपकी जो रेंज आती है वो 55 कम के 55 किलोमीटर पर आवर के आएगी। ठीक है जी। 55 किलोमीटर आप जा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, और आपको जो स्पीड लिमिट मिलेगी वो मिलेगी 78 किलोमीटर तक। 78 किलोमीटर तक लगभग मिल सकते हैं। ओके तो एक कितना टाइम लेगा कंप्लीट चार्जिंग में, एक चार्जिंग में कितना टाइम लेगा? सर ये टाइम लेता है आपका 4.5 से 5.5 घंटे। 4.5 से 5.5 घंटे कंप्लीट चार्ज लेगा, और रेंज आपने बता ही दी है। बिल्कुल जी। अच्छा अब इसके बात करें अगर अवेलेबिलिटी की कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को हम कितने टाइम में ले सकते हैं, कितना इस पर वेटिंग पीरियड वगैरह चल रहा है? सर इसकी अवेलेबिलिटी आप मान के चलिए करीब करीब 45 दिन के आसपास, 45 डेज तक का आपको टाइम इसमें मिलेगा, वेट करना पड़ेगा। बिकॉज इसकी जो बुकिंग है वो ऑनलाइन हो रही है, TVS मोटर की वेबसाइट पर जाके आप इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं, और इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है आपको वहाँ पर शो करता है 45-50 डेज का। बट इन बिटवीन आपका स्टॉक अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम डिलीवरी दे देते हैं कस्टमर। हाँ डेफिनेटली वो कंप्लीट तो स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड करता है, अगर स्टॉक जल्दी आता है तो आपको डिलीवरी भी आप जल्दी देते हैं। बिल्कुल। एक पॉइंट मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपने कहा कि ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं, तो ये ऑनलाइन ही बुकिंग होगा या फिर अगर कोई शोरूम पे आके भी डायरेक्ट बुक कर सकता है? शोरूम पे आके बुक कर सकते हैं, प्रोसेस का ऑनलाइन का ही है। लेकिन ओके अगर आप शोरूम पे भी आते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है बुकिंग की वो ऑनलाइन ही होती है। TVS मोटर की वेबसाइट है iQube के ऊपर, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपको बुक टेस्ट राइड और बुक iQube का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं और अपने व्हीकल भी बुक कर सकते हैं वहाँ पे। आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह वो मांगता है, जैसे आपके नाम नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल, आप रहते कहाँ हैं, इस तरह से वहाँ सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं। ओके आप फिलअप करके पेमेंट करके गाड़ी बुक कर सकते हैं। ओके तो फाइनेंस का ऑप्शन भी है आपके पास इसके? बिल्कुल सर, फाइनेंस का ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास। ओके तो फाइनेंस के लिए किन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा? पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड, चेक स्टेटमेंट, और अगर आप ऑन हाउस है तो आपका एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होगा। अच्छा जी। और कोई डायरेक्ट कैश लेता है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट? अगर सर डायरेक्टली कैश लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड, एक आधार कार्ड जो कि आपके बैंक अकाउंट से मर्ज हो, और एक कैंसिल चेक। कैंसिल चेक इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इसकी सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है विदिन 90 डेज ऑफ डिलीवरी। तो उसके लिए हम आपसे चेक लेते हैं कैंसिल करके, ताकि जो आपका सब्सिडी का अमाउंट है डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। ओके जी। अब आपने सब्सिडी का नाम लिया तो अब आप इसका प्राइस भी बता दीजिए कि ऑन रोड कितना प्राइस पड़ेगा इसका? सर गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आता है 1,08,012 रुपीज़। 1,08,012 रुपीज़ ऑन रोड दिल्ली? जी सर। ओके अच्छा, और सब्सिडी इसमें कितना मिलेगा? सब्सिडी सर इसके अंदर आपकी 11,250 की जो दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको। और वो कितने टाइम में अकाउंट में आ जाएगा? डिलीवरी डेट से 90 डेज के इन बिटवीन आती है सर। बिटवीन आ जाएगा। जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि अगर कोई दिल्ली के बाहर से है तो वो इस गाड़ी को खरीद सकता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, अगर वो खरीद सकता है तो क्या वो फाइनेंस भी कर सकता है दिल्ली से अगर कोई बाहर का पर्सन है? सर एक्चुअली जो व्हीकल है आपका, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो दिल्ली के अंदर ही होगा। ओके अगर कोई पर्सन दिल्ली के बाहर का है तो उनकी अगर दिल्ली की ID प्रूफ या दिल्ली का कोई लोकल एड्रेस प्रूफ या कोई भी जिनके नाम से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट अपने नाम पे वो नहीं ले सकते। ओके प्रूफ जो प्रोवाइड करना पड़ेगा उन्हें दिल्ली का देना, दिल्ली का ही करना होगा। दिल्ली के जो भी दिल्ली हाइट्स हैं उनके नाम पे ही गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, और ये दिल्ली के नंबर पे ही रजिस्टर्ड होती है, चाहे वो कैश ले या फाइनेंस करें, जैसे प्रूफ दिल्ली का ही मिलना, दिल्ली का ही होना चाहिए। ओके जो ये iQube है तो केवल अभी दिल्ली में ही अवेलेबल है, बाकी अदर कौन कौन से स्टेट में भी ये सेल हो रहा है?
सर ये प्रीवियसली जो लॉन्च हुई थी हमारी, ये बैंगलोर सिटी में लॉन्च हुई थी 2020 में, और इस ईयर 2021 के अंदर ये लॉन्च हुई दिल्ली के अंदर हुई है। ओके जी सर, फिलहाल 2 states में ये रनिंग है, पहले बैंगलोर थी और अभी दिल्ली के अंदर है। तो अभिषेक जी, अब इस गाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में बताइए। तो काफ़ी मैंने 2-3 इसमें नए यूनिक फीचर्स देखे हैं, तो एक बार उनके आप बारे में आप बताइए। जैसे मैंने भी पार्क असिस्ट का इसमें फीचर्स देखा है, और पीछे जो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पे क्यू पार्क असिस्ट है, तो ये क्या फीचर है और इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में भी एक बार जरा गौर फरमाइएगा। सर इस गाड़ी के अंदर आपको कई सारे फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि जो पार्किंग असिस्ट है वो बेसिकली कंपनी ने ध्यान में रख के बनाया है कि ये जो स्कूटी है मल्टीपर्पज़ स्कूटी होती है, कि आपके घर में आप भी चलाते हैं, जेंट्स लेडीज़ आपके बुजुर्ग भी चलाते हैं, तो उनमें क्या होता है जब वो बैक करते हैं रिवर्स करना चाहते हैं, तो गाड़ी के अंदर थोड़ी दिक्कत आपको वेट को लेकर के या फिर आप पार्किंग किसी जगह पे कर रहे हैं उसको लेकर के आती है। कंपनी ने वो चीज़ ध्यान में रख के इसके अंदर एक यूनिक चीज़ दी है, पार्किंग मोड। पार्किंग मोड जैसे आप स्विच करते हैं, नॉर्मली आप जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसी तरह से स्टार्ट होना है, ब्रेक प्लस पार्किंग मोड स्विच। स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर क्या होता है, पहले गाड़ी का आपको डायरेक्शन देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, आप इस गाड़ी को फॉरवर्ड एक्सेलेट करेंगे फॉरवर्ड जाएगी, इसकी जो टॉप स्पीड रहेगी वो रहेगी 10 किलोमीटर की। और जैसे आप इसको दोबारा प्रेस करते हैं पार्किंग मोड को, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिवर्स मोड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर आपकी जो गाड़ी की स्पीड रहती है टॉप स्पीड वो रहती है 3 किलोमीटर की, यानी कि आप जो बैक करते हैं गाड़ी को आपको उसके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी, या ना तो बॉडी के अंदर पेन होगा ना दिक्कत होगी बैक करने में, खुद खींचने जान लगानी नहीं पड़ेगी, बस वो पार्किंग असिस्टेड गाड़ी ऑटोमेटिकली बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स भी हो जाएगी और फॉरवर्ड भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी यूनिक फीचर, आई थिंक ये पहला ये फीचर जो इस टीवीएस आईक्यूब के अंदर ही आए अभी तक, किसी और इलेक्ट्रिक के लिए किसी भी स्कूटर में ये ऑप्शन नहीं है। तो इसके अलावा कुछ और कुछ इसमें जो फीचर है उसके बारे में आप बताइएगा। सर इसमें कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि इसके अंदर आपको ना एक इसके कंपनी डेडिकेटेड एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है टीवीएस आईक्यूब, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसके थ्रू ये गाड़ी आपकी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। इसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कॉलर आईडी असिस्ट हो जाता है, नेविगेशन असिस्ट हो जाता है। उसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर कई सारे यूनिक फीचर हैं, जैसे कि आप अपनी गाड़ी को लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं। इफ़ सपोज इसके अंदर आपको जियो फेंसिंग भी मिल जाता है, जियो फेंसिंग एक तरह का फीचर है जो कि बहुत यूनिक है। इसके अंदर आप अपनी गाड़ी के पार्किंग लोकेशन पे एक फेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी मिनिमम जो लिमिट होती है वो 250 मीटर से लेकर के और मैक्सिमम लिमिट होती है वो 20 किलोमीटर की होती है। अगर आपकी गाड़ी आपके सेट करे हुए रेडियस के बाहर जाती है, आपके एप्लीकेशन पे तुरंत आपको अलर्ट मिल जाता है। ओके और उसके बाद आप अपने व्हीकल को लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है। ओके इवन आपका व्हीकल स्टार्ट हो या आपका व्हीकल ऑफ हो, दोनों ही सूरतों में आप अपनी गाड़ी को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। आई थिंक ये फीचर भी काफ़ी यूनिक है, मैंने पहली बार ये सुना है कि आप लाइव ट्रैकिंग अपनी बाइक की या किसी स्कूटर की आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और आप एक ऐप के बारे में भी मुझे बता रहे थे कि बाइक के साथ एक ऐप भी प्रोवाइड होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी जो एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। okay. उसका नाम है टीवीएस आईक्यूब, टीवीएस आईक्यूब का एप्लीकेशन आता है, आप उसको डाउनलोड करके इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डिटेल फिल करनी होती है जो गाड़ी के अंदर प्रोवाइड होती है, चेसी नंबर वगैरह एक्सेप्ट कर सकता। बिल्कुल सर, और इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में बताएगा। सर कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के अंदर आपको इसके अंदर कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपका कॉल अलर्ट का ऑप्शन आता है, अगर आप वाइल्ड ड्राइविंग कोई आपको फ़ोन करेंगे अननोन नंबर से भी कॉल आएगा तो आपको ये तुरंत इंडिकेट करता है कि आपको इस पर्टिकुलर नंबर से कॉल आ रहा है। इवन अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट सेव है वो भी दिखाता है, मैसेज वगैरह कोई ड्रॉप करेगा आपको तो वो भी इसमें शो करेगा कि यू हैव अ मैसेज, यू रिसीव्ड अ मैसेज। इवन अगर आप इसके अंदर नेविगेशन टर्न बाय टर्न असिस्ट दिया हुआ है, आपको सपोज किसी लोकेशन पे जाना है तो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर उस लोकेशन को सर्च करके गो करेंगे, आप जैसी गाड़ी को राइड करते हैं तो आपको ये टर्न बाय टर्न इंडिकेट करता है कि यू हैव टू टेक लेफ्ट फ्रॉम 30 meters लाइक, और अगर आपको यू टर्न लेना है तो यू हैव टू टेक यू टर्न फ्रॉम 30 meters या 40 meters, जो भी आपका डायरेक्शन होता है टर्न बाय टर्न आपको टर्न बाय टर्न नेविगेट करता है। बिल्कुल बताएगा सर आपको ये। जी तो अभिषेक जी, आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट सारे कंप्लीट कर लिए हैं और मोस्ट ऑफ द फीचर इसके लगभग सभी बता दिए हैं। जी जी, अभी एक पॉइंट और जो मेरे माइंड में आ रहा है, इसकी वारंटी बैटरी और क्या और प्रोडक्ट की क्या इसकी वारंटी क्या जिस तरह से मिलेगा। सर इसकी जो कंपनी वारंटी आपको प्रोवाइड करती है वो करती है आपको 3 साल या 50,000 किलोमीटर। इसके अंदर आपकी बैटरी और मोटर दोनों ही कवरअप होते हैं, दोनों ही कवरअप होते हैं। जी सर, और इस प्रोडक्ट के साथ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। बिल्कुल सर, इसके साथ आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, 1 साल का आपका जो इंश्योरेंस नॉर्मली 2-व्हीलर पर अवेलेबल है वो आपको मिलेगा 0 DAP के साथ, और अपना नेक्स्ट 4 year थर्ड पार्टी का जो नॉर्मली चल रहा है अभी आपका, जैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होगा बिल्कुल वो सारा प्रोसेस गाड़ी के साथ बिल्कुल सर होगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर सर एक चीज़ और दे रखी है गाड़ी के अंदर, जैसे कि आप गाड़ी राइड करते हैं तो कभी भी जैसे आप फ्लाई ओवर से डाउन जाते हैं उसके टाइम पे क्या होता है, बैटरी का ना एक मोमेंट व्हीकल का एक मोमेंटम बन जाता है स्पीड का, राइट। उस केस के अंदर अगर आप थ्रोटल नहीं देते तो इसकी बैटरी रीजनरेट भी होती है। ओके कुछ परसेंटेज तक रीजनरेट भी होती है,
अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, सपोज 75 किलोमीटर कंप्लीट जा रहे हैं, और अगर आप एज पर गाइडलाइंस आप फॉलो करते हैं, जैसे आप एक्सेलरेट नहीं देते, जैसे कि फ्लाईओवर्स डाउन जाने पे होता है, सबवे में एंटर करने के टाइम पे होता है, उस केस में आपकी बैटरी रीजनरेट भी होती है, जिस वजह से आपको ना लॉन्ग टर्म में 75 से प्लस भी एवरेज दे सकता है आपको इकोनॉमी मोड के अंदर। ओके, ये इस गाड़ी का बहुत ही यूनिक फीचर है, जो कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर इसी में है, बिकॉज इसके अंदर आपको हब माउंटेड मोटर दी जाती है। जितना जेंटल हम चलाएंगे उतनी ज़्यादा हमें इसकी बिल्कुल जो रेंज मिलेंगे। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, इसकी कुछ सर्विस के ऊपर भी आप मुझे बताएंगे क्या सर्विस प्रोसेस है सर? इसके अंदर आपको सर्विसिंग, जैसे आप कह सकते हैं गाड़ी का व्हीकल चेकअप हो सकता है आपका, वो मिलता है आपको 4000 किलोमीटर फर्स्ट ईयर के लिए या 6 मंथ। इवन अगर आप राइड नहीं कर पाते 6 मंथ के अंदर 4000 किलोमीटर, तो आप 6 मंथ कंप्लीट होते ही यहाँ पे सर्विसिंग के लिए आ सकते हैं। इसके अंदर आपकी गाड़ी की जो भी सर्विसेज होती है चेकअप करा जाता है, गाड़ी का बैटरी हेल्थ होगी, आपकी व्हीकल मोटर कैसे वर्क कर रही है, कंसोल अपडेट्स हो गए, वो सब चीज़ें चेक करी जाती है, कंप्लीट ओवरऑल इसका चेकअप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अभिषेक जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपका दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में अभिषेक जी का नंबर मिल जाएगा, आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर देंगे तो आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो TVS iQube के बारे में। आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया अभी तक का, मैं कह सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में छोड़ोगे, लेकिन फिर भी अभी आपको कोई पॉइंट है, अभी भी आपके माइंड में कोई पॉइंट आ रहा है जो मेरे से मिस हो गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर अभिषेक जी का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट शोरूम पे भी आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप शोरूम पे कॉल करिए और शोरूम पे आइए, विजिट करिए, गाड़ी को देखिए, इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए और गाड़ी पसंद आती तो आप इसको बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो एक कंप्लीट इसका वॉक अराउंड दे दिया है, सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, सारे फीचर्स के बारे में आपको अभिषेक जी ने बता दिया है। तो दोस्तों अब आपको पता है आपको क्या करना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। दोस्तों मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।